कीक मारते मारते थक गया हूँ, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुई। आइए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम प्लग को चेक करेंगे। ये प्लग मैंने 2 ही महीने पहले लगाया था, तो प्लग खोलने वाला टूल्स को लगाएंगे प्लग पर और इस प्लग को हम खोलेंगे। वैसे दोस्तों इस गाड़ी को सर्विसिंग की ज़रूरत है, तो ये देखिए प्लग निकला है और पूरा काला हो चुका है जहाँ से स्पार्क होता है। अब बाहर से हम इसे चेक करेंगे इसमें स्पार्क होता है या नहीं। तो फिर से किक मारेंगे और इसे देखेंगे। तो शायद हल्का हल्का स्पार्क हो रहा है, लेकिन इससे गाड़ी चालू नहीं होगी। हो ना हो ये प्लग खराब है। नया प्लग है, 2 महीने पहले ही लगवाया था। तो चलिए इसे रखते हैं और एक नया प्लग लगाते हैं। तो इसे लगाते हैं। और इसके टूल की मदद से इसे कस देते हैं। तो अब इसके इग्निशन वायर को हम लगा देंगे। फिर से हम स्टार्ट करेंगे गाड़ी, देखते हैं चालू होता है या नहीं। ये तो एक ही किक में चालू हो गया है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा, हम किक मारते मारते थक चुके थे लेकिन ये गाड़ी चालू नहीं हुई। मात्र एक प्लग चेंज करने के बाद ये गाड़ी चालू हो चुकी है। तो इस तरह के अगर प्रॉब्लम आपको कभी भी रास्ते में या बाहर में हो आपके साथ, तो आप क्या कीजिएगा, आप कभी भी सफ़र पर निकले तो एक प्लग और इस तरह का टूल्स आता है, ये देखिए इसका हैंडल टूट चुका है और ये 20-30 रुपए में मिल जाता है ये टूल्स। और प्लग तो 100-120 एरिया के हिसाब से जहाँ जैसा मिलता है। तो ये दोनों टूल्स को ज़रूर ख़रीद कर रख लीजिएगा ताकि आपको रास्ते में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।